कुदरत का करिश्मा तो देखो, उस रात दो घटनाएं हुई, केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। ओ भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं हूँ। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं विलन। केजीएफ चैप्टर 2 में केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज से पहले ही सुपरहिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है, बाहुबली और 2.0 का रिकॉर्ड कैसे तोड़ने जा रही है, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई केजीएफ, इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फील्ड्स। कन्नड़ सिनेमा इतिहास की सबसे सफल फिल्म, ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पार। हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहुबली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी अचीवमेंट कहानी के एक टुकड़े को मिली है, आधी कहानी अभी आना बाकी। जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी कि राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा, जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने के कारण मर गई, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। रॉकी इन्हीं चीजों की तलाश में मुंबई आया और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक सूर्यवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है, जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है, इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी, मतलब वो अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है, इसलिए केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते। पहले फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई थी, इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहाँ पहुँचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। इस फिल्म में कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश अपने रॉकी के किरदार को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा फिल्म के दूसरे हिस्से में श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन, अच्युत कुमार, नासर, रामचंद्र राजू, अनंत नाग, मालविका अविनाश और वशिष्ठ सिन्हा जैसे एक्टर भी नजर आएंगे। और अभी हाल ही में प्रकाश राज को भी इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील। और ये फिल्म अब 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली और 2.0 से भी बड़ी फिल्म साबित होगी और बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 3,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस कर सकती है।